आज गोलाचिका के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल गोला के किसानों का दर्द समझें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वह कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क व सैनिटाइजर आदि का समय समय पर प्रयोग करें। आज किसानों को गोला हल्का में बहुत ज्यादा ये महसूस हो रहा है कि हम आगे अपनी फसल किस तरीके से बीजेंगे, क्योंकि सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि जीरी लगाने पे जो रोक लगाई है, तो इसीलिए बहुत से किसान बार बार मिल भी रहे थे, कई किसान फोन भी करते हैं, कई किसान इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो उस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने समय मांगा है और कुछ बात हुई भी है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इन किसानों का, हमारे गोलाचिका का दुख दर्द समझें, क्योंकि गोलाचिका का जो दर्द है ये उनमें नहीं गिना जाता कि जिस तरीके से 90 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में गिना गया कि यहाँ पानी कई जगह पे नीचे जा रहा है और डार्क जोन में है, तो ये यहाँ का सिस्टम कुछ अलग तरह से है। क्योंकि ये ठीक हो सकता है अगर थोड़ा सा सरकार इस पे टेंशन ले। ये मैंने पीछे 1.5 साल पहले भी विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि मेरा गोला हल्का है, वो घग्गर के दोनों साइड में बसता है, बीच से घग्गर निकलती है, और यहाँ इस घग्गर में चूस बोर लगाए जाएं, और ये आवाज़ मैंने विधानसभा में उठाई थी ताकि जब चूस बोर लगेंगे तो उस वक्त पानी का लेवल ठीक हो जाएगा और ये डार्क जोन में नहीं रहेगा, क्योंकि जीरी के बिना यहाँ दूसरी फसल तो हो ही नहीं पाती। जब बरसातें आती हैं एकदम पानी इतना जोर का आता है तो यहाँ उस पानी आम फसलें झेल नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे वो छोटी मोटी और फसलें, तो क्या आप मक्के की बात करें, मक्का छोड़ो गन्ने की बात करें, एक भी पानी नहीं ओढ़ सकता ये। अगर कोई अच्छा पानी आ जाए तो वो फसल नहीं हो सकती।